तो बच्चों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, एंड दैट इज व्हाट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है और यहाँ हम एक चीज और समझेंगे कि फेराडे ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ को कैसे मॉडिफाइड किया। तो मॉडिफाइड फेराडे लॉ की भी बात करेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हम उसकी भी बात करेंगे। देखिए दो बेसिक कॉज है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने के। एक होता है कि स्टैटिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोड्यूस होना, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा था बच्चों, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कंजर्वेटिव नेचर का था। और वहां हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। रीजन सिंपल था कि वो क्लोज लूप इसलिए नहीं बना सकती कि वो जो कंजर्वेटिव फील्ड, वो जो फील्ड था वो कंजर्वेटिव था, और कंजर्वेटिव फील्ड अगर कहीं पे भी है तो उस तरह की उस फील्ड की जो फील्ड लाइन्स होंगी वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। यहाँ दूसरा रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस होने का, और वो रीजन क्या है, जब भी कोई टाइम डिपेंडेंट टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है स्पेस के अंदर, तो वो टाइम वेयरिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोर्स होता है नए एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड, और वाइस ऑफ वर्सा, दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। नेचर हमेशा सिमेट्री को लाइक करती है, तो अगर हम टाइम के साथ साथ किसी स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बदलेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स बनेगा, इसी तरह अगर हम टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स बनता है। तो यहाँ ध्यान रखें कि किस तरह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये मैंने एक डार्क सर्कल बनाया, एक सिलेंड्रिकल रीजन, ऐसा कोई सिलेंड्रिकल रीजन था, उस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, बी इज इंक्रीजिंग विद द रेट डीवी बाई डीटी। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट नहीं है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अब हमें पता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है यानी फ्लक्स में चेंज आता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, और अगर ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो यहाँ डेफिनेटली ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, क्योंकि ईएमएफ अगर है तो वहां कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता होगा। यहाँ आप देखिए कि मैंने कुछ ऑलरेडी लाइन से ड्रॉ कर दी है, मैंने कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए हैं। ये कंसेंट्रिक सर्कल्स जो है, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप देखें जो सिलेंड्रिकल रीजन है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, उसके अंदर भी हमने सर्कुलर लाइंस बनाई है और बाहर भी सर्कुलर लाइंस बनाई है। देखते हैं कि किसी स्पेस के अंदर, कोई सिलेंडर के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साथ वेरी करता है तो इस रीजन के इनसाइड, जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है उसके अंदर मैग्नेटिक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, वो कैसे डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, सरफेस पे कैसे डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, और बाहर वाले रीजन में कैसे डिपेंड करता है डिस्टेंस के साथ साथ, ये हम बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करने वाले मॉडिफाइड फेराडे लॉ की। यहाँ पर फेराडे ने अपने लॉ को मॉडिफाइड किया, उसने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ, ये उसने कहा था। तो ई इंड्यूस इक्वल टू माइनस डी फाई बाई बाई डी टी, बट दिस मस्ट बी इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ ई इंड्यूस इंटू डी एल, ई इंड्यूस ई डॉट डी एल। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डीएल है उसका जो डॉट प्रोडक्ट है उसका जो लाइन इंटीग्रल होगा, बेसिकली इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होगा। ये मॉडिफाइड लॉ, इसको ध्यान रखें, ये ध्यान रखना इसका लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप याद रखें कंजर्वेटिव फील्ड में किसी भी क्लोज लूप के अंदर लाइन इंटीग्रल की वैल्यू जीरो होती है, यानी अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करूं तो बच्चों ये वाली टर्म होती है ना ई इंड्यूस डॉट डीएल, लाइन इंटीग्रल हमने किया हुआ है, इस पूरे की वैल्यू जीरो होती है। किसके अंदर बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, बट दिस इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो ये जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आया है, इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है, इसका मतलब यहाँ जो फील्ड है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में आएगा। ये बात ध्यान रखें, एक और चीज हमेशा ध्यान रखें, जो हमने लेंज लॉ में समझा था कि जिस भी रीजन के अंदर फ्लक्स वेरी करता है टाइम के साथ साथ वहां इंड्यूस ईएमएफ होता है, अगर वहां क्लोज लूप रख दिया जाए तो इंड्यूस करंट भी फ्लो होगी। तो याद रहे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों वही होता है जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन था, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन था। तो आप यहां देखिए सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर हम अंदर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ साथ बढ़ा रहे हैं, तो इंड्यूस करंट इस तरह से आनी चाहिए कि वो फ्लक्स को बाहर निकाले, और फ्लक्स को बाहर निकालने की डेफिनेटली वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो अगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए तो डेफिनेटली इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज ही होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए ई इंड्यूस इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो है मॉडिफाइड फेराडेज लॉ है। अब हम बात करते हैं इस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साथ वेरी करता है या इंक्रीज हो रहा है, तो आप देखिए अंदर वाला पॉइंट जो मैंने ये डार्क ब्लैक सर्कल जो बनाया कैपिटल आर रेडियस का, ये कैपिटल आर रेडियस का वो सिलेंड्रिकल रीजन है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, यानी डीबी बाई डी टी रेट से इंक्रीज हो रहा है। अब इस ए पॉइंट पर, यानी अंदर वाले पॉइंट पर जो कि सेंटर से सेंट्रल एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर है, वहां मैं जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बी पे क्या होगी सरफेस पे, या आउटसाइड पॉइंट सी पे क्या होगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट।
मैं अंदर वाले पॉइंट पे बात करूंगा। देखिए ये डायग्राम देखिए, मैंने अंदर वाला पॉइंट कंसिडर किया। बेसिकली यहाँ से एक्स रेडियस का जो सर्कल है इनसाइड द सिलेंडर वो हमने कंसिडर किया था, एक्स रेडियस का सर्कल। अब हमें पता है कि अगर मैं इस पूरे क्लोज लूप के अंदर ऐसे एंटी क्लॉक वाइज लाइन इंटीग्रल करूंगा, तो मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक लाइन इंटीग्रल लेना चाह रहा हूँ, तो मैं चला इस तरफ, तो मेरा डीएल इस तरफ है और मेरा ई भी इस तरफ ही। जो मेरा ई और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में बच्चों, तो ई और डीएल अगर सेम डायरेक्शन में, तो उनकी उनकी जो एंगल है उनके बीच का एंगल वो 0 डिग्री होगा। इस सिचुएशन के अंदर हम ई डॉट डीएल को ई डीएल लिख सकते हैं, तो हम यहाँ सिर्फ ई वन डीएल लिख दिया एंड दैट इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू बी ए होगी, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, फाई की वैल्यू बी ए होगी। ए कैसे पुट करना है वो इंटरेस्टिंग चीज है, क्या है, ए को हम बाहर रख रहे हैं, जब ए को हम बाहर रख रहे हैं तो अंदर बचेगा डी बी बाई डी टी। और ए जिस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन की वजह से इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, उसका एरिया पुट करना है। तो यहां अगर आप देखेंगे तो ये जो रीजन है एक्स रेडियस का जो सर्कल बनेगा, इस सर्कुलर रीजन की वजह से ही यहाँ इस सर्कल पे इंड्यूस ईएमएफ होगा। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा उसकी वजह से यहाँ इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। ये अंदर वाला जो एरिया है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा उसकी वजह से यहाँ इंड्यूस ईएमएफ होगा, राइट। हम क्या करने वाले हैं, एरिया जो पुट करने वाले हैं यहाँ पर, वो हम ए को बाहर लेकर के पाई एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, उसका एरिया पाई एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए अगर ए को मैं बाहर लूंगा तो डीबी बाई डीटी बचा। अब क्योंकि इस सर्कल के हर पॉइंट पर ई का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो ई को मैंने बाहर रखा और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो बनेगा वो 2πx आ जाएगा। तो ये मैंने 2πx लिख दिया, पाई से आप पाई को कैंसिल कर दे, एक एक्स से एक्स को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इवन की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो मिलेगी एक्स बाई टू डीबी बाई डीटी। डीबी बाई डीटी एक कॉन्स्टेंट रेट है और आप देखें जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंड्रिकल रीजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है। यानी मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां से सरफेस तक, यानी यहां से सिलेंडर की सरफेस तक आता हूं, तो जब मैं इस तरफ चलूंगा तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं यहां से और यहां तक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बनाना शुरू करूंगा बच्चों, तो जब यहां से सेंटर से चलूंगा सरफेस तक आऊंगा, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्राउडेड होती जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ये कहां तक हुआ, एक्सिस से सरफेस तक, क्योंकि अंदर वाले पॉइंट पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। अब हम बात करते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस ऑफ द सिलेंड्रिकल रीजन। सर्फेस ऑफ द सिलेंड्रिकल रीजन में मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ एक्स की वैल्यू आर पुट कर देनी है। तो जब मैं एक्स की वैल्यू आर पुट करूंगा तो मुझे जैसे एक्स की वैल्यू आर पुट करता हूं मुझे रिजल्ट मिलता है ई टू प्लस टू आर बाई टू डी बी बाई डी टी। यह है सरफेस पे। अब आउटसाइड पॉइंट की बात करते हैं। देखिए सिलेंड्रिकल रीजन जो है उस सिलेंड्रिकल रीजन का रेडियस आर है और अब मैं इस सिलेंड्रिकल रीजन के बाहर आर डिस्टेंस तक सर्कल ड्रॉ करता हूं। इस सर्कल के अलोंग मुझे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने E3 से डिनोट किया है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें क्या करना है, हमें वापस वही बात करनी है। देखिए अभी भी क्या होगा, जब हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लाइन इंटीग्रल करेंगे, तो जब मैं यहां से यहां चला तो मुझे पता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये मैं समझा चुका हूं, वो डायरेक्शन उधर क्यों है, और डीएल भी उधर ही आ रहा है। जब मैं स्टार्ट चलूंगा तो डीएल और ई के बीच का एंगल 0 होगा, इसमें ई डॉट डीएल को ई डीएल लिख सकता हूं, ई थ्री डीएल ई डॉट डीएल को हमने लिखा, अगेन ए डीबी बाई डीटी लिखा, डीबी बाई डीटी हमें कॉन्स्टेंट डी वन है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ए ए क्या पुट करना है, मैंने अभी आपसे कहा ए वो एरिया पुट करना है जिस एरिया में इंड्यूस, जिस एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ। तो आप समझे कि यहां यानी सरफेस के बाहर वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स पर इस कंप्लीट सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर बदलने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। तब मुझे एरिया जो रखना है वो पाई कैपिटल आर स्क्वायर रखना है। याद रखें यहां हमने पाई स्मॉल एक्स स्क्वायर रखा था, क्योंकि यहां अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इस वाले रीजन की वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा, ठीक है। सरफेस पे आऊंगा तो पूरे एरिया में प्रोड्यूस बदलने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, लेकिन बाहर वाले पॉइंट पर आऊंगा तो बच्चों यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड बदल ही नहीं रहा। तो अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है तो ये पूरा जो आर रेडियस का सर्कल है उसमें बदलने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो मुझे एक ही जगह पाई आर स्क्वायर पुट करना है। फिर मैं अगर बात करूंगा यहां से यहां तक लाइन इंटीग्रल करूंगा, ई थ्री कॉन्स्टेंट बाहर रखूंगा और डीएल का इंटीग्रेशन 2πr हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल करूंगा और यहां से ई थ्री की वैल्यू मिल जाएगी मुझे आई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2r डीबी बाई डीटी। आप देखें आर स्क्वायर डीबी बाई डीटी हमें कॉन्स्टेंट डी वन है, तो जो आउटसाइड रीजन है उसके अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। इसका यह मतलब हुआ कि अगर मैं यहां से यहां तक आता हूं तो यहां से यहां तक चलने पर मुझे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की कंसेंट्रिक फील्ड लाइन है वो क्राउडेड होकर चली जाएगी। यहां से जब इधर चलूंगा तो पास पास आकर चली जाएंगी यहां तक, लेकिन जब सर्फेस से बाहर जाऊंगा वहां पर तो दूर दूर जाना स्टार्ट हो जाएगी, यानी उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि
इंटेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन के, सर्कुलर लूप ऑफ द रेडियस 2 सेंटीमीटर प्लेस इन द रीजन ऑफ वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू 2 टेस्ला पर सेकंड, फाइंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लूप। ये एक रीजन है जिसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड इस रेट से बदल रहा है 2 टेस्ला पर सेकंड से, और यहां मैंने सर्कुलर लूप रख दिया जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। मुझे सर्कुलर लूप के अंदर ऊपर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। आप मुझे बताओ क्या सर्कुलर लूप के अंदर बदलने वाला जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होने वाला जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका रीजन ये जो हमारे पास सर्कल है पूरा का पूरा उसके अंदर वाले एरिया में बदलने वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर ऐसा है तो मैं सीधी सीधी बात करूंगा कि हमारा ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा, क्योंकि मुझे यहां इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इसके सर्कल के अंदर, और पूरे के पूरे अंदर वाले एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बदलने की वजह से यहाँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ई इंड्यूस इक्वल टू आर बाई टू डीबी बाई डी टी। डीबी बाई डी टी की वैल्यू हमें दी गिवन 2 टेस्ला पर सेकंड, आर की वैल्यू में 2 सेंटीमीटर गिवन थी, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू मिली 2 × 10⁻²² वोल्ट पर मीटर, दैट इज 0.02 वोल्ट पर मीटर। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आपके इससे रिलेटेड सभी कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहां से सॉल्व हो जाएंगे। हाँ तो बच्चों अब हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है उसकी बात करते हैं, जिसे नाम से पता लग रहा है सेल्फ इंडक्शन। किसी भी कोइल के अंदर खुद की करंट, कोइल से पास होने वाली करंट में चेंज की वजह से उसी कोइल के अंदर ईएमएफ का इंड्यूस्ड होना हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। यानी कोई भी करंट कैरिंग कोइल है उस कोइल के अंदर से अगर हम करंट पास करेंगे और करंट की वैल्यू बदलेंगे तो डेफिनेटली करंट की वैल्यू बदलने पर उससे पास होने वाली जब करंट बदलेगी तो उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो बेसिकली उसी करंट से प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड भी बदलेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट होगी। इसको अपन सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे एक सोलेनोइड बनाया है, एक सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर एक हमने वायर रेप किया हुआ है और इस वायर ये पूरा सिस्टम एक सोलेनोइड कहलाता है, आप जानते हो अच्छी तरह से। अब आप देखिए थोड़ा इसको ध्यान से देखें डायग्राम को तो आपको सारी चीज समझ में आएगी। ये हमने बैटरी शो की हुई पॉजिटिव और नेगेटिव पोलरिटी, ये रियोस्टेट है। जब हमें रियोस्टेट से रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलूंगा बच्चों इससे पास होने वाली करंट बदलेगी, इससे पास होने वाली करंट बदलेगी तो इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज़ लॉ उसमें इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट होगी, और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ उस इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि उस कोर्स का अपोज करेगी जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होगी। तो देखिए यहाँ डायग्राम के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है जिससे पास होने वाली करंट है, मैंने जो ये ब्लू का मार्कर से बना रखा है सोलेनोइड, उसमें जो एरो शो किए हैं, ये एरो शो करते हैं कि इससे पास होने वाली करंट का डायरेक्शन क्या है। अगर मैं इस सोलेनोइड के लेफ्ट साइड से देखता हूँ तो मुझे जो ये लेफ्ट साइड है जब इस साइड से देखता हूँ तो इस तरह से क्लॉकवाइज सेंस के अंदर करंट फ्लो होती हुई दिख रही है। अब अगर इधर से क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो होती हुई दिख रही है तो डेफिनेटली इस साइड से वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, और इस साइड से अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो डेफिनेटली मैं बात कर सकता हूँ कि ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा। तो यहां से जो ओरिजिनल करंट से फ्लो हो रही आई उस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकलेंगी, क्योंकि नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है वो साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है तो बाहर निकलेंगी। तो ये जो मैंने ब्लू मार्कर से बना रखी है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है जो ओरिजिनली पास होने वाले करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइन्स है। अब अगर मैं इस करंट को बदलता हूँ तो डेफिनेटली इंड्यूस करंट होगी, इंड्यूस ईएमएफ होगी, और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इंड्यूस करंट की वजह से वो डेफिनेटली इसके अपोजिट आएगा। तो जो मैंने ब्लैक मार्कर से बना रखी है वो फील्ड लाइन्स है जो इंड्यूस होने वाली करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया उस वजह से जो इसके कोर्स को अपोज करेगी, यानी हम इस करंट को बढ़ाएंगे तो ये ब्लू वाली जो लाइन है उनका नंबर बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो जब ये बढ़ेगा तो जितना ये बढ़ेगा उतना ही ब्लू ब्लैक मार्कर से बनाई हुई फील्ड लाइन्स अपोजिट आ जाएंगी ताकि नेट फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। ठीक है, तो हम यहाँ एक बात कर रहे हैं एक कोइल से पास होने वाला एक सिंगल कोइल से पास होने वाला फ्लक्स अगर 5 है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n होने की वजह से जो टोटल फ्लक्स पास होगा वो n phi होगा, एंड डेफिनेटली दिस n phi इज टोटल फ्लक्स एंड दिस टोटल फ्लक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू दिस सोलेनोइड। जितनी ज्यादा करंट होगी उतना टोटल फ्लक्स होगा, तो n phi इज प्रोपोर्शनल टू i, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया तो कांस्टेंट यूज कर लिया जिसको हमने बोला l, n phi इक्वल्स हो गया li। यहां से l को मैं बोलूंगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल और एल की वैल्यू बच्चों में मिल जाएगी एन फाइव अपॉन आई। आप जानते हो फाइव की वैल्यू बी ए होगी तो मैंने इसको एन बी अपॉन आई लिख दिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है जिसको यूज करके आप किसी भी तरह के
कोइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ एल को हमने बोला सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोइल, इसकी ऐसा यूनिट होगी अगर यहाँ से देखूंगा तो वेबर पर एम्पियर होगी, और वेबर पर एम्पियर को मैं बोलता हूँ हेनरी। दिस इज ऐसा यूनिट इज वेबर पर एम्पियर, दैट इज इक्वल टू हेनरी, एंड डायमेंशन फॉर्मूला विल बी m1l2t-2l-2। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब डायमेंशन फॉर्मूला निकाले तो उस क्वांटिटी को रिलेट करने वाले एनर्जी का फॉर्मूला यूज करें, और एनर्जी का फॉर्मूला यूज करके फिर आप इसका आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या डायमेंशन फॉर्मूला। जैसे मैं अगर कैपेसिटेंस का निकालना चाहता हूं, अभी हमने सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड एनर्जी की बात नहीं की, इसलिए ये फॉर्मूला भी आपको नहीं बताया, जब मैं बताऊंगा तो बात करूंगा। हम कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, तो कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो उससे स्टोर होने वाली एनर्जी हाफ सीवी स्क्वायर होती थी बच्चों, हाफ सीवी स्क्वायर होती थी। वहां से सी की वैल्यू मैं निकालूंगा, एनर्जी इक्वल्स टू हाफ सीवी स्क्वायर, वहां से सी निकालोगे तो एनर्जी को रिलेट करने वाले फॉर्मूले से बहुत कंफर्टेबली आपका डायमेंशन फॉर्मूला निकलता है। फिर एक देखिए, एल इज द कांस्टेंट फॉर ऑल कॉइल्स, डजंट डिपेंड ऑन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। जैसे हम कैपेसिटर की बात करते हैं, कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है, कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है, वो चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती, वो ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है, शेप एंड साइज और मीडियम पर डिपेंड करती है। जैसे उसी मैनर के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो इससे पास होने वाली करंट पर डिपेंड नहीं करता। हम अभी बाकी जब डेरिवेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि करंट सभी के अंदर कैंसिल आउट हो जाती है, एक्सप्रेशन के अंदर करंट आईडी नहीं, यानी करंट पर डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है कि इसकी ज्योमेट्री यानी इसका साइज कैसा है, और साथ ही साथ इसका मीडियम क्या है, यानी सिलेंडर के अंदर मीडियम क्या है, वैक्यूम है या कोई आपने कोई मीडियम फिलअप कर दिया, इसकी परमिबिलिटी कुछ और होगी, उस पर डिपेंड करेगा। तो एल कॉन्स्टेंट फॉर द ऑल कॉइल्स डज नॉट डिपेंड ऑन करंट थ्रू द कॉइल, ठीक है ना। व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल्फ इंडक्शन? According to Faraday's laws of electromagnetic induction, we know that the induced EMF is equal to d phi by dt, and phi can be written as n, total flux can be written as n phi, और ये हो गया d phi by dt, ये total flux मैंने लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पर ठीक से देखेंगे तो n phi की वैल्यू यहाँ li थी, तो मैं यहाँ li लिख दूंगा n phi की जगह, और l जो है वो कॉन्स्टेंट, इसलिए मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर बचा बच्चों di by dt, तो जो induced EMF होगा उसकी वैल्यू बनेगी l di by dt, और यहाँ समझे नेगेटिव साइन आपको समझ में आ गया होगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इंड्यूस ईएमएफ की जो डायरेक्शन होती है वो, अगर डीआई बाई डीटी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, डीआई बाई डीटी नेगेटिव तो ये पॉजिटिव होगा, इसका ध्यान रखना। अब यहाँ मैंने एक सर्किट बना के प्रॉब्लम को समझाने की कोशिश की है कि जो न्यूमेरिकल साइन है उसको हम कैसे डील करेंगे। हमारे पास एक बैटरी है और इससे कनेक्टेड एक हमारे पास सोलेनोइड या कोई कॉइल कनेक्टेड है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है। अब देखिए अगर मैं इससे पास होने वाली करंट को इंक्रीज करता हूँ, अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरा डीआई बाई डी टी जो है वो मोर देन जीरो यानी पॉजिटिव होगा। अब डीआई बाई डी टी अगर पॉजिटिव है या मोर देन जीरो है तो आप इसको ध्यान से समझे, बेसिकली जब यहां से आप करंट बढ़ाएंगे तो ये जो यहाँ का जो हमारी कॉइल है या जो हमने सोलेनोइड बना रखा है या इंडक्टर बना रखा है, ये जो है वो उस करंट के इंक्रीज होने का अपोज करेगी, और करंट के इंक्रीज होने का अपोज करेगी तो डेफिनेटली यहाँ जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू एल डीआई बाई डी टी के बराबर होगी। डीआई बाई डी टी इंक्रीजिंग करंट है। अब अगर ये इधर पास होने वाली करंट की अपोज करेगी तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो अपोज तभी करेगा जब करंट जाएगी यहां से राइटवर्ड, और इसकी वजह से जो इंड्यूस करंट आएगी वो जाएगी लेफ्टवर्ड। तो वो तभी पॉसिबल है जब इस एल डी आई बाई डी टी का ये वाला एंड पॉजिटिव हो, ये वाला एंड नेगेटिव हो। मतलब यहाँ एक ऐसी बैटरी की ऐसी सेल की तरह बिहेव करेगा इंडक्टर जिसका ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी है, लेकिन उसकी पॉलिटी का इधर वाला साइन पॉजिटिव, इधर वाला साइन नेगेटिव है। अगर मैं यहाँ करंट कम करता बच्चों तो ये करंट को बढ़ाने की कोशिश करता, सिचुएशन के अंदर पॉलिटी रिवर्स हो जाती है, ये होती नेगेटिव और ये होती पॉजिटिव। हम बाद में न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे इसको, फिर भी समझेंगे। अब हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल, सेल्फ इंडक्शन ऑफ द सोलेनोइड एंड सेल्फ इंडक्शन इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड। सबसे पहले बात करते हैं कॉइल की। ये एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस आर है, इसको हमने सर्किट से कनेक्ट किया हुआ, यहाँ रियोस्टेट जोड़ा हुआ, ये साइन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो हम जब इससे रियोस्टेट से रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलते हैं तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस बदलने पर करंट बदलेगी, और करंट बदलेगी तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा, उसका सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन होगा। हमें पता है सेल्फ इंडक्टेंस को हमने कैसे डिफाइन किया, दिस इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन आई। अब देखिए एन अपॉन आई को मैंने बाहर लिखा, बी की वैल्यू जो होती है कॉइल के लिए होती है म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर, एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, हम पहले डिराइव कर चुके हैं। अब आप देखिए तो अब आप देखिए ये जो एन अपॉन आई इक्वल टू जो होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन टू आर एन आई, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, और ये एरिया जो इसका एरिया को मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर। तो आप देखिए यहां हम क्या करने वाले, ये हमारा आई जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। हम पहले बात कर चुके थे कि किसी भी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू, किसी भी कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू उसके पास होने वाली करंट पर डिपेंड नहीं करता, ये हर बार कैंसिल आउट होगा, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब देखिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर में एक आर भी हम कैंसिल कर देते हैं, तो जो हमें रिजल्ट मिला वो क्या मिला, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन टू, यानी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू। अब ये तो म्यू नॉट, क्योंकि यहां कोई मीडियम नहीं था तो म्यू नॉट लिखा, अगर मीडियम होता तो म्यू लिखता,
और हमें पता है म्यू की वैल्यू म्यू नॉट इंटू म्यू आर होती है, तो यहाँ म्यू नॉट म्यू आर आ जाता अगर कोई मीडियम होता तो, और ये इसके नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है, इसकी रेडियस के प्रोपोर्शन होता है। इस फॉर्मूले को याद रखें, यहाँ से काफी न्यूमेरिकल आते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड। सोलेनोइड में एग्जैक्टली वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एन बी ए अपॉन आई। अब यहाँ पर बी की जो वैल्यू होती है वो म्यू नॉट एन आई अपॉन एल होती है, ये एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, एल इज द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। अब आप देखिए म्यू नॉट एन आई, फिर से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा आई कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, तो आई तो हर जगह कैंसिल आउट है, आई पर डिपेंड करेगा ही। आप देखें अब मैं लिख रहा हूं इसको, ये एन और एन हो जाएगा बच्चों एन स्क्वायर, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, तो ये बना म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। एक और चीज देखिए, जो एन है कैपिटल एन, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और हम स्मॉल एन लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल एन। तो अगर मैं यहां से देखूंगा तो एन की जो वैल्यू हो जाएगी वो स्मॉल एन इंटू एल होगी, तो यहां मैं एन स्क्वायर एल स्क्वायर लिखूंगा, एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। तो दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड। Now, what is the self-inductance of the toroid? Exactly, we will use the same expression, n b upon i. आप देखिए n upon i बाहर ले लिया मैंने, अब b की वैल्यू लिखी म्यू नॉट एन आई। इस बार हम जो n लिख रहे हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। आप जानते हैं टोरॉइड की जो टोटल लेंथ होती है वो 2 पाई r होती है, और r हम हमेशा मीन रेडियस रखते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ जब मैंने आपको टोरॉइड पढ़ाया था तब, कि जो r है वो मीन रेडियस है। इफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल n, दिस स्मॉल n कैन बी रिटन एज n अपॉन 2 पाई r। हमारा जो फॉर्मूला बन गया वो एन अपॉन आई म्यू नॉट एन आई अपॉन टू पाई आर। इस बार भी आप देख रहे हैं हमारा आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ जो एरिया है वो इंटरेस्टिंग चीज है। तो बच्चे जैसे यहाँ एरिया की बात करता हूँ, तो एरिया सिलेंडर का एरिया पाई आर स्क्वायर बनता है। अब इस पूरे सोलेनोइड को जब मैं बेंड करके सर्कल की फॉर्म में बना देता हूँ तो ये टोरॉइड बन जाएगा, तो एरिया भी पाई आर स्क्वायर होगा। यानी जो मैंने शेडेड एरिया बनाया, एरिया उसकी वैल्यू पुट करनी, ये जो आर है हमारा, ये आर बेसिकली क्या है, ये आर इसका है। तो ये जो हमारा आर स्क्वायर आएगा, इसको आपसे थोड़ा करेक्शन कर रहे हैं हम लोग, ये आर तो मीन रेडियस है, और ये जो मेरा आर ए है ये मेरा बनेगा पाई आर स्क्वायर। तो जो मेरा रिलेशन आएगा यहाँ पर, उसको ध्यान से देखें, ये हमारा जो रिलेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन ए अपॉन टू पाई आर। पर ध्यान रखना ये जो मेरा आर है वो ये यहाँ तक का रेडियस अगर R1 है और यहाँ तक का रेडियस R2 है, तो R1 तक R2 by 2 यानी मीन रेडियस इसी जाती है, टोरॉइड में समझी थी। और जो A है वो ये वाला एरिया लेना पड़ेगा, यानी सोलोइड जो गोल सोलेनोइड है उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस बना किसका, टोरॉइड का। तो ये थे कुछ केसेस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब हम आगे बात करते हैं इसको यूज कैसे करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन की। हाँ तो बच्चों, अब हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। देखिए क्या है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर के अंदर। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करें, इसको समझने के लिए काम करते हैं, हम किसी भी इंडक्टर को किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, किसी डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं। तो जब हमने किसी को डीसी सोर्स से कनेक्ट किया, तो जैसे डीसी सोर्स का स्विच ऑन करते हैं, करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है। और इंडक्टर क्या करता है, जब इंडक्टर से करंट पास होना शुरू होती है, तो करंट जब शुरुआत में बढ़ रही होती है तब करंट में चेंज आ रहा होता है, और जब करंट में चेंज आ रहा होता है तो करंट में चेंज की वजह से फ्लक्स में चेंज आता है, फ्लक्स की चेंज की वजह से बैक ईएमएफ या इंड्यूस ईएमएफ होता है, जो कि उस कोर्स का अपोज करता है, इसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है, हम बात कर चुके हैं। इफ आई इंस्टेंटेनियस करंट देन द पावर सप्लाइड टू द इंडक्टर इज, ठीक है, पावर हम जानते हैं, हमें पता है क्या होती है, पावर की वैल्यू थी ई आई, ई इज इंड्यूस ईएमएफ, तो ये ई और ये आई इंस्टेंटेनियस करंट थी, और ई की वैल्यू हमें पता है एल डी आई बाई डीटी होती है, अगर करंट वेरी कर रही है डी आई बाई डीटी रेट से, तो एल डी आई बाई डीटी और ये हो गया आई, ये पावर थी हमारे। अब हम पता है एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है एनर्जी की वैल्यू होती है, जब ये पावर की वैल्यू होती है डी यू बाई डी टी, तो डी यू यानी एनर्जी हो जाएगी पी डी टी। तो हमने यहाँ लिखा पी डी टी, पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ थी, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो एल आई से क्या किया मैंने एल और आई इसको इधर ले लिया, ये डी आई बाई डी टी हो गया, और ये डी टी से मल्टीप्लाई किया, डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ जो मुझे रिजल्ट मिला वो मिला एल आई डी आई, एल आई डी आई। अब इनिशियली जब हमने स्विच ऑन किया था करंट जीरो थी, और जब करंट ग्रो करके कॉन्स्टेंट हो जाती है तब तक कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है वो आई है, वो कांस्टेंट होगी। जब करंट कांस्टेंट हो चुकी है तो मैं इसको जीरो से आई तक इंटीग्रेट कर दूंगा, तब तक जो एनर्जी स्टोर होगी इसकी वैल्यू एल आई डी आई के इंटीग्रेशन से मिलेगी। आप देखें एल कांस्टेंट आपने बाहर ले लिया, और आई डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई स्क्वायर बाई टू, जो मुझे रिलेशन देगा हाफ एल आई स्क्वायर, जिसे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है हाफ सी वी स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ एनर्जी स्टोर होगी हाफ एल आई स्क्वायर। अगेन आप देखें एनर्जी स्टोर इन द सोलेनोइड, इसको थोड़ा सा ध्यान समझ, इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। सोलेनोइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसकी वैल्यू थी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, जो हमने पिछले आर्टिकल में स्टडी किया है, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया नहीं, जब मैंने यहाँ एल की जगह वैल्यू पुट किया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, तो ये म्यू नॉट एन स्क्वायर ए पुट किया, ये आई स्क्वायर है मेरे पास। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर
ये म्यू नोड है, म्यू नोड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ क्या मिलेगा, म्यू नोड स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर, आई बात समझ में, तो म्यू नोड स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन म्यू नोड, और चाहिए जो म्यू नोड स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर को लिखा म्यू नोड एन आई का होल स्क्वायर अपॉन म्यू नोड एल को बाहर ले लिया जो कि वॉल्यूम बनेगा। अब देखिए म्यू नोड एन आई क्या होता है, म्यू नोड एन आई इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन टू दिस सोलेनोइड, या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सोलेनोइड, इसको मैं बी लिख सकता हूँ, बच्चों ये मिलेगा हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नोड इन टू एल, तो ये मिला हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नोड इन टू एल, ए एल इज वॉट इज सपोज एल इज द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड दैट इक्वेशन एल बिकम इज वॉल्यूम, तो यहाँ मैं वॉल्यूम लिख सकता हूँ, और आप देखिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो एनर्जी डेंसिटी होती है, तो एनर्जी डेंसिटी होगी इसकी वैल्यू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी, तो ये मेरे पास पूरी पूरी एनर्जी है, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करने पर एल कैंसिल हो जाएगा और मुझे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी मिलेगी सॉलिड के अंदर वो बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नोड मिलेगी, एग्जैक्टली इससे कैपेसिटी मिलती थी क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, यहाँ मुझे मिला बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नोड, फॉर्मूले को याद रखें जो कि इंपॉर्टेंट है। नाउ अब बात करते हैं इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है सर्किट के अंदर, तो चलिए इंडक्टर है, अब इंडक्टर से जब करंट पास हो रही है करंट ग्रो हो रही होती है, तो जब करंट ग्रो होती है तो इंडक्टर क्या करता है करंट की ग्रोथ का अपोज करता है, मतलब करंट जो है इसमें इंड्यूस जो करंट होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, और जब इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो ये एक ऐसी बैटरी की तरह बिहेव करेगा जिसका लेफ्ट वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा और राइट वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा ताकि इंड्यूस करंट इधर भेज सके, यानी इसका बिहेवियर होगा इस तरीके का, और इसका जो इंड्यूस ईएमएफ यानी यहाँ इसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकल के आएगा उसकी वैल्यू एल डी आई बाई डी टी, यहाँ डीएल बाई डी आई बाई डी टी क्या है ग्रोथ ऑफ द करंट, राइट। अब एक और चीज देखें, अगर करंट डिक्रीज हो गई तो क्या होगा, करंट अगर डिक्रीज हो रही होती है तो ये जो हमारा इंडक्टर है वो करंट के डिक्रीज होने का अपोज करेगा, मतलब इधर जाने वाली करंट डिक्रीज हो रही है और ये उसका अपोज करेगा तो डेफिनेटली इधर ही करंट को सप्लाई करेगा, उस सिचुएशन के अंदर बच्चों ये जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, यहाँ ये पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव था, तो हम क्या करेंगे ये पूरा का पूरा इंडक्टर ऐसी सेल की तरह बिहेव करेगा जिसका ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी होगा, पर इसकी जो पॉलरिटी है वो इस तरह से आएगी वो करंट को बढ़ाए, यानी इधर प्लस आएगा इधर माइनस आएगा और उसका ईएमएफ इतना, और इतना ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब करंट ग्रोथ करती है तो पॉलरिटी ऐसी आएगी और जब करंट मतलब डिक्रीज हो रही होती है तो पॉलरिटी ऐसा आएगी, इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस भी जो ईएमएफ लेना है मुझे इक्विवेलेंट ईएमएफ लेना है वो एल डी आई बाई डी टी लूंगा। एक न्यूमेरिकल इस समय और क्लियर करते हैं चीजों को, ए बी इज अ पार्ट ऑफ द सर्किट फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ये किसी बड़े सर्किट का पार्ट है, हमें ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं, यानी हमें बड़े से सर्किट का एक छोटा सा पार्ट दे रखा है, इसमें इंडक्टर इसका इंडक्टेंस 1 एमवी है, एक 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, दो ओम का रेजिस्टर है और इससे करंट हो रही है। दो केस मुझे यहाँ सोल्व करने, पहला केस ये कि अगर करंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बच्चों अगर करंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो डी आई बाई डी टी जीरो होगा, और डी आई बाई डी टी जीरो होगा तो हमारा जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ जीरो होगा, और हमारा जो इंडक्टर है वो कभी भी कांस्टेंट करंट का अपोज नहीं करता, तो उसका जो ईएमएफ है वो जीरो माना जाएगा, यानी वो कंडक्टिंग वायर से बिहेव करेगा, तो अगर मेरे पास करंट कांस्टेंट है तो मैं इंडक्टर हटा करके कंडक्टिंग वायर जोड़ दूंगा, और अब मेरे पास सर्किट बचा दूंगा एक बैटरी है या एक सेल है और एक रजिस्टर है, यहाँ से 2 एम्पीयर करंट जा रही है, तो हम किरचॉफ लॉ में हमने सीखा था इस तरह के नेटवर्क को कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ का पोटेंशियल वी ए लिखेंगे, फिर हम जब इसके नेगेटिव एंड से बाहर निकलेंगे इसका पोटेंशियल माइनस 5 लिखेंगे, फिर मैं करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो यहाँ आई आर को नेगेटिव लूंगा, आर इंटू आर की वैल्यू 4 होगी तो 4R यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो माइनस 4 कर दूंगा, यानी क्या करा सबसे पहले यहाँ का पोटेंशियल लिखा, यहाँ से बाहर निकला तो माइनस 5, यहाँ से बाहर निकला तो माइनस 4 इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ वी बी कर देना है, जब इसको सोल्व कर लो देखिए बी ए माइनस वी बी होगी दोनों नेगेटिव वैल्यू उधर चली जाएंगी, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू मुझे मिलेगी 9 वोल्ट। फिर अगर मुझसे कहा जाए इफ करंट इज 2 एम्पीयर एट एनी इंस्टेंट एंड इज इंक्रीजिंग विद द रेट 1 एम्पीयर पर सेकंड, किसी पर्टिकुलर टाइम पर करंट की वैल्यू 2 एम्पीयर है पर 1 एम्पीयर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है, मतलब डी आई बाई डी टी की वैल्यू पॉजिटिव है, ये देखिए ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, हमारा जो इंडक्टर है हमने कहा था कि जब करंट बढ़े तो ये जब करंट इधर जा रही होगी तो एक ऐसी बैटरी की तरह बिहेव करेगा जिसका ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी होगा, तो ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा जिसका ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी होगा, एल की वैल्यू 1 एमवी थी, डी आई बाई डी टी 1 एम्पीयर, तो 1 इंटू 1 बिकम्स 1, यानी ये 1 वोल्ट की बैटरी की तरह बिहेव करेगा और ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो जब मैं यहाँ से चलूंगा और इस तरह बी तक आऊंगा सबसे पहले मुझे यहाँ का पोटेंशियल लिखना है वी है, आफ्टर मैं जब इससे पास हूंगा तो नेगेटिव पोटेंशियल लिखना है 1 वोल्ट क्योंकि मैं नेगेटिव एंड से बाहर निकल रहा हूँ, इसकी तरह बिहेव करेगा। आप चाहें तो इस इंडक्टर से हटाकर भी ये बैटरी जोड़ सकते हैं जिसका वोल्ट जिसका ईएमएफ हम 1 वोल्ट रख देंगे, तो जब मैं नेगेटिव एंड से बाहर निकलूंगा तो वी ए लिखा उसके बाद जहां से निकला -1, फिर इसके नेगेटिव एंड से बाहर निकलूंगा तो -5, फिर करंट की डायरेक्शन में चलूंगा
तो माइनस लेना तो आई आर की वैल्यू माइनस फोर हो जाएगी एंड दैट विल बी इक्वल टू वी बी इक्वल फोर का मतलब मिल जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 10 वोल्ट. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड विल बी 10 वोल्ट व्हेन करंट इज इंक्रीजिंग विद द रेट 1 एम्पीयर पर सेकंड. व्हाट हैपेंस व्हेन करंट इज डिक्रीजिंग विद द रेट 1 एम्पीयर पर सेकंड, इसको आपको खुद सॉल्व करें. जब करंट डिक्रीज होगी 1 एम्पीयर पर सेकंड से तो हमारा जो इंडक्टर है वो जिस बैटरी की तरह बिहेव करेगा उसकी पोलैरिटी हमें रिवर्स करनी है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा. उस केस के अंदर बस यहाँ प्लस वन आ जाएगा और जब यहाँ प्लस वन आ जाएगा तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो एट वोल्ट मिलेगा. आप सोल्व करके देखें, आप कंफर्टेबली सोल्व कर सकते हैं. तो ये कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन थे और यहाँ से कंडक्टर हमारे इंडक्टर का बिहेवियर समझ में आता है कि इंडक्टर जो बेसिकली सर्किट में कैसे काम करता है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल. हाँ तो बच्चों अब हम बात करते हैं आर एल डी सी सर्किट. जिस तरह से हमने आरसी सर्किट की बात की थी इन केस ऑफ कैपेसिटर, वैसे की वैसे हम आर एल डी सी सर्किट की बात कर सकते हैं. यहाँ मैं फॉर्मूले डिराइव करने के बजाय डायरेक्टली आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, इनको समझा दूंगा कैसे यूज करना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, इनके आंसर्स कैसे करना है, हम बात करें. देखिए क्या है, मेरे पास एक सर्किट है जिसके अंदर रजिस्टर और इंडक्टर दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं और ये पूरा का पूरा दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ सिस्टम मैंने किसी बैटरी से जोड़ दिया जिसका ईएमएफ ई है, इसको एक स्विच से कनेक्ट कर दिया. इनिशियली स्विच ओपन है और जैसे मैं स्विच को क्लोज करता हूँ हमारी जो बैटरी है जो हमारा सेल यहाँ लगा हुआ ये जब करंट सप्लाई करना स्टार्ट करेगा तो बच्चों इनिशियली क्या होगा, जब यहाँ से शुरुआत में कोई करंट नहीं थी, अब जब करंट पास होगी तो हमें पता है जब इंडक्टर से करंट पास होती है तो वो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, वो उस करंट का अपोज करता है जिस उससे पास हो रही है. यानी वो जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा वो इस तरह से आएगा जो करंट उस करंट का अपोज करेगा जिसकी वजह से उसमें फ्लक्स बढ़ना शुरू हुआ था. तो यहाँ कहीं ना कहीं हम बात कर सकते हैं कि एक पिछले आर्टिकल मैंने आपको बताया था जब इससे करंट ग्रो करती है तो यहाँ एक बैटरी की तरह काम करेगा जिसकी पोलैरिटी कैसे होगी हम समझा चुके. तो बेसिकली इनिशियली आप क्या देखेंगे कि जब हमने स्विच ऑन किया तो करंट बढ़ना शुरू हुआ तो करंट का अपोज करता है. एक बात और ध्यान रखें कि इंडक्टर जो होता है वो कभी भी करंट का अपोज नहीं करता, वो करंट में चेंज का अपोज करता है. करंट अगर ग्रो करेगी या करंट फॉल होगी, डिके होगा करंट का या जब ग्रोथ होगी करंट की तभी करंट में चेंज का अपोज करेगा. ये कांस्टेंट करंट का अपोज नहीं करता. हमें पता है जब करंट कांस्टेंट होगी तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू जीरो होगी, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा तो अपोज नहीं करेगा. करंट जब बढ़ेगी या कम होगी तो ये अपोज करता है करंट का. आप याद रखें जैसे आप मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते थे कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे हो तो वो रेस्ट पे रहेगी और अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन रहेगी जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, इसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते थे. फिर आपसे कहा जाता है कि कोई बॉडी अपने आप अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज क्यों नहीं करती, तो आप कहा करते थे ऐसा इसलिए होता है कि इसके पास इनर्शिया होता है. यानी इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज का अपोज करती है. एग्जैक्टली इंडक्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट में चेंज का अपोज करती है, इसीलिए हम यहाँ इंडक्टेंस को इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, जब स्विच ऑन करेंगे तो बच्चों करंट कैसे ग्रो करेगी, इसकी इक्वेशन आएगी आई इक्वल टू आई नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टो. टो इज अगेन टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू यहाँ एल बाई आर होगी. अगर आप याद करते हो कैपेसिटर वाला केस तो वहाँ टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू आर सी होती थी, यहाँ एल बाई आर होगी. हम जानते हैं टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है, टाइम कॉन्स्टेंट वो होता है जिसमें कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन 63% पूरा हो जाता है. तो इनिशियली करंट जीरो थी, अब करंट ग्रो करना स्टार्ट करेगी तो ग्रोथ का ग्राफ हमने वहां भी ड्रॉ किया था, एग्जैक्टली वही ग्राफ यहाँ होगा. तो आप देखेंगे ग्रोथ जो है उसका ग्राफ ऐसा आएगा. अगर यहाँ टी की वैल्यू आप जीरो पुट करेंगे, जब आप टी को जीरो पुट करते हैं तो पता है आपको क्या मिलेगा, टी को जीरो पुट करने पे ये पूरी पूरी टर्म क्या हो जाएगी, वन. और जब ये पूरी टर्म वन हो जाएगी तो वन होने पर वन माइनस वन क्या मिलेगा, जीरो. और जीरो मल्टीप्लाई बाय आई वन मिलेगा आपको जीरो, यानी आई की वैल्यू जीरो. यानी टी इक्वल टू जीरो पर हमारी करंट की वैल्यू क्या है, जीरो. अब अगर मैं यहाँ टी की वैल्यू इंफिनिटी पुट करता हूँ तो ये पूरी टर्म मेरी क्या हो जाएगी, जीरो. और जब ये टर्म जीरो हो जाएगी पूरी की पूरी तो वन माइनस जीरो बिकम वन, तो आई की वैल्यू मिलेगी आई नॉट. यानी टी इक्वल टू जीरो पे करंट जीरो थी और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम और कांस्टेंट होगी. अब इस सिचुएशन के अंदर आप देख रहे हैं कि वन टाइम कांस्टेंट के ऊपर जो करंट है वो बढ़ते हुए कितना होगी, मैं आपको बता चुका हूँ टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जब कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन 63% पूरा होता है. यानी करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू का 63% हो चुकी होगी. यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अगर आई नॉट है तो करंट की वैल्यू 0.63 टाइम्स ऑफ आई नॉट हो जाएगी इन वन टाइम कांस्टेंट. ठीक है, दूसरी बात करते हैं डीके ऑफ करंट की. अगर मान लो हमारा जो करंट है आफ्टर सम टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर इसमें करंट कांस्टेंट हो गई है तो करंट कांस्टेंट होने के बाद आप देखेंगे कि अब ये जो हमारा इंडक्टर है वो करंट में चेंज का करंट का अपोज नहीं कर रहा होगा, एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव कर रहा होगा. अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो सर्किट था उसमें इस पॉइंट और इस पॉइंट को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें और ये स्विच जो है ओपन कर दिया हमने. तो स्विच को मैंने ओपन कर दिया और यहाँ एक स्विच था उसको मैंने कनेक्ट कर दिया ये कंडक्टिंग वायर. जैसे मैं कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करूंगा अब क्या होगा, जो करंट इसमें कांस्टेंट फ्लो हो रही थी वो डिके होना स्टार्ट होगी.
जो डीके में होना स्टार्ट होगी, तो डीके की इक्वेशन कैसे आएगी? हमें पता है करंट के ग्रोथ की इक्वेशन ऐसे होती है, तो बच्चों डीके की इक्वेशन हम अच्छे से जानते हैं कैसे बनती है। आई इक्वस टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टू, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डीके ऑफ करंट। तो करंट इस तरह से डीके होगी। अब जब करंट डीके होगी, यहाँ आप देखिए टी की वैल्यू जब हम जीरो पुट करेंगे, तो टी की वैल्यू जीरो पुट करने पे ये पूरा आर्ग्यूमेंट वन हो जाएगा। तो टी इक्वल टू जीरो पे करंट की वैल्यू आई नोड होगी, और जब मैं टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करूंगा तो बच्चे जी मेरा पूरा आर्ग्यूमेंट ये जीरो हो जाएगा, तो आई की वैल्यू मुझे जीरो मिलेगी। यानी टी इक्वल टू जीरो पे करंट मैक्सिमम थी, अब ये डीके होना स्टार्ट होगी और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट बिकम्स इक्वल टू जीरो। यहाँ डीके हो रहा है, फिर से मैं बात करता हूँ, वन टाइम कॉन्स्टेंट वो टाइम होता है जब कोई भी फंक्शन 63% पूरा हो जाता है, यानी मैक्सिमम करंट थी हमारे पास आई नोड। अब उसको पूरा होने हो, जब पूरा फंक्शन हो जाए, प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो करंट वैल्यू जीरो होगी, यानी करंट में टोटल चेंज कितना है ना आई नोड फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो। अब मैं कह रहा हूँ वन टाइम कॉन्स्टेंट के अंदर 63% जो है वो करंट कम हो जानी है, तो बचे ही कितनी 37%। 37% का मतलब हुआ 0.37 टाइम्स ऑफ आई नोड, तो 0.37 टाइम्स ऑफ आई नोड करंट की वैल्यू मिली वन टाइम कॉन्स्टेंट के अंदर। आप जानते हो सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए हम हाफ लाइफ डिफाइन कर सकते हैं, और हाफ लाइफ डिफाइन करने का तरीका मैंने आपको आज के अंदर बता दिया था एग्जैक्टली, वैसे की वैसे यहाँ करंट का आप हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ चीज लिख दी है, इंडक्टर इज नॉट अपोजिट द करंट, इट अपोजिट द चेंज इन करंट, यानी करंट इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है तो उसका अपोज करेगा, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन में पहले हमने बात की थी सेल्फ इंडक्शन की, सेल्फ इंडक्शन में हमने ये बात की थी कि जब किसी भी कोयल से पास होने वाली करंट वेरी करती है तो उसी कोयल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ होना सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। लेकिन यहाँ दूसरा केस है कि दो कोयल्स हैं, दोनों कोयल्स को मैं ऐसे रख देता हूँ। अब मान लो एक कोयल है, इससे जब मैं करंट बदलूंगा तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा होगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा वो थोड़ा सा बाहर तक आता है, अपन जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, और इसको बिल्कुल इसको पास रख देता हूँ। तो इससे जब करंट बढ़ाऊंगा या कम करूंगा या कॉन्स्टेंट करंट फ्लो करवाऊंगा इससे, तो जब इससे कॉन्स्टेंट करंट फ्लो होगी तो इससे पास होने वाला फ्लक्स बदलेगा, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इसको बोलते हैं अपन म्यूचुअल इंडक्शन। या इस वाली कोयल के अंदर अगर मैं करंट पास करवाऊंगा और वो फ्लक्स जब इससे जाएगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है जब वो इस वाली कोयल से पास होगा और इसमें जब फ्लक्स में चेंज आएगा, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ होना, यानी किसी एक कोयल के अंदर करंट में चेंज करना, उसकी वजह से उस कोयल का मैग्नेटिक फील्ड का बदलना, और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कोयल से पास करूं तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ का होना म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। यहां आप देखिए पहली कोयल मैंने बनाई प्राइमरी कोयल, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसका एरिया हम A1 मान के चलेंगे, ये नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, टोटल एरिया A2 मान के चलूंगा। प्राइमरी कोयल के अंदर हमने बैटरी कनेक्ट किया हुआ, उससे फ्लो होने वाली करंट I1 है। अब देखिए मैंने ब्लू कलर से बना रखी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, जो इस कोयल के अंदर पास होने वाली करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो जब मैं यहां स्विच ऑन करता हूं, ये करंट पास हो रही होगी, तो डेफिनेटली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इससे गुजरेंगी तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा। यहां एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है और किसी एक कोयल से जो फ्लक्स पास होता है वो अगर Φ2 है, तो जो टोटल फ्लक्स इससे जाएगा वो N2 Φ2 होगा। कितना होगा? N2 Φ2, एंड दैट टोटल फ्लक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कोयल, दैट मींस N2 Φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनल हटा दिया तो मैंने यहाँ कॉन्स्टेंट यूज किया M, इस M को हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। मैंने यहाँ लिखा है म्यूचुअल इंडक्शन इन सेकंड कोयल ड्यू टू द फर्स्ट कोयल, फर्स्ट कोयल में करंट की वजह से सेकंड कोयल के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन का होना। तो म्यूचुअल इंडक्शन इन द सेकंड कोयल ड्यू टू द फर्स्ट कोयल, यहीं से मैं M21 की वैल्यू निकाल दूंगा, N2 Φ2 / I1, जो हमने निकाला N2 Φ2 / I1। अब आप देखिए Φ2 की वैल्यू लिखूंगा, आप मुझे बताइए Φ2 किससे है? इसके किसी भी एक कोयल से जाने वाला फ्लक्स है, किसी भी एक कोयल से जाने वाला फ्लक्स अगर मुझे निकालना है तो मुझे बताइए सेकेंडरी कोयल से किसी एक कोयल का एरिया अगर A2 है तो इससे जाने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसका होगा, प्राइमरी कोयल का या सेकेंडरी कोयल का? डेफिनेटली प्राइमरी कोइल का। तो जब मैं यहाँ पर Φ2 की वैल्यू पुट करूंगा तो B1A2 पुट करना है, मैग्नेटिक फील्ड होगा प्राइमरी कोइल का, एरिया होगा सेकेंडरी कोइल का, तो मुझे यहाँ B1A2 पुट करना है। तो N2 B1A2 / I1 बिकम्स म्यूचुअल इंडक्शन, इसको मैंने M से डिनोट किया। केस टू की बात करता हूँ, केस टू क्या है, हमें यहाँ इक्वेशन मिल गई, वो इक्वेशन क्या मिली, N2 Φ2 = MI। देखिए वाली N2 Φ2 = M21 को मैंने M लिख दिया तो MI1 हो गया। इसका जब मैं डेरिवेटिव लेता हूँ बच्चों को क्या मिलता है, N2 तो कॉन्स्टेंट था, d Φ2 / dt, m कांस्टेंट था, di/dt। नाउ दिस di/dt इज व्हाट, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कोइल, ठीक है, एंड दिस d Φ2 / dt इज व्हाट, एक्चुअली d Φ2 / dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन वन कोइल। तो टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होगा वो N2 d Φ2 / dt होगा। तो दिस टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज व्हाट, इट इज द टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी कोइल। तो दिस इज व्हाट, दिस विल बी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, दिस विल बी इक्वल टू
ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, हम यहाँ लिखा एन टू डी फाइ टू बाई डी टी म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ होगा इन द सेकेंडरी कॉइल, इसको मैंने ई टू से डिनोट किया, ई टू की वैल्यू लिखी माइनस एम डी आई वन बाई अपॉन डी टी, याद रहे माइनस साइन हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ लेंज लॉ। तो यहाँ देखें ई टू इक्वल टू माइनस एम डी आई वन बाई डी टी, डी आई वन बाई डी टी इज वॉट, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, तो ये हमेशा प्राइमरी कॉइल का लिखना है और ये इंड्यूस ईएमएफ है सेकेंडरी कॉइल का। सिमिलर ट्रीटमेंट कैन बी डन फॉर द प्राइमरी कॉइल व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, अगर मान लो इसमें बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ सेकेंडरी कॉइल के अंदर, तो इसका फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो इससे पास होगा, तो इससे प्लस में चेंज आएगा, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा, उस केस के अंदर हम म्यूचुअल इंडक्शन निकाल सकते हैं। दूसरा वाला, जब दोनों ट्रीटमेंट करते हो आप एग्जैक्ट इसी मैनर के अंदर, तो हमें फॉर्मूले दोनों के म्यूचुअल इंडक्शन के सेम मिलते हैं, यानी म्यूचुअल इंडक्शन इन वन कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉइल विल बी इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन इन सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू वन कॉइल, यानी एम वन टू की वैल्यू एम टू वन के टू वन के बराबर ही मिलेगी, इसके दोनों वैल्यूज में इनका एम वन टू इक्वल टू एम टू वन एंड दैट इज इक्वल टू एम। इस पे बेस्ड हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करते हैं जिससे आपको और समझ में आएगा कि किसी भी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हाँ तो बच्चों, अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन। पहला एग्जांपल आप देखिए, दो कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर कॉइल्स हैं, कॉइल वन एंड कॉइल टू, जिनका रेडियस ए वन एंड ए टू गिवन है, कॉइल टू के अंदर करंट आई फ्लो हो रही है। हमसे कहा जाता है कि कॉइल ए का जो रेडियस है कॉइल ए टू के कंपेरिजन, कॉइल वन का जो रेडियस है स्मॉलर कॉइल जो है उसका रेडियस लार्जर कॉइल के कंपेरिजन में बहुत कम है। बोथ द कॉइल्स आर कोप्लेनर, दैट मींस बोथ द कॉइल्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखिए क्या होगा, जब आप सेकंड कॉइल के अंदर करंट फ्लो करवा रहे हैं आई, तो इसके वजह से, इस आई की वजह से इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या बनेगी, म्यू नॉट आई अपॉन टू ए टू, यानी सेकंड कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल के एरिया से पास हो रहा होगा, तो जो फ्लक्स जाएगा इससे ए फाइव वन, फाइव वन की वैल्यू बनेगी बी टू ए वन। फील्ड लेना है सेकेंडरी कॉइल से, जो घुसते करंट पास हो रही तो उसका फील्ड प्रोड्यूस होगा, एरिया लेना है प्राइमरी कॉइल का, बी टू इज म्यू नॉट आई अपॉन टू ए टू एंड ए वन इज पाई ए स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, हम जानते हैं म्यूचुअल इंडक्शन इज, हमेशा ध्यान रखना इसका कि म्यूचुअल इंडक्शन कैसे निकालेंगे, टोटल फ्लक्स अपॉन करंट, जिस कॉइल में करंट जा रही है, प्राइमरी कॉइल में अगर करंट जा रही है तो आई वन पुट कर दूंगा, सेकेंडरी कॉइल में अगर करंट जा रही है तो आई टू पुट कर दूंगा, दिस इज पाई वन अपॉन आई, पाई वन हम निकाल चुके, आई जो है वो सेकेंडरी कॉइल का था, बेसिकली आई टू लिखना था, पर हमें आई की वैल्यू गिवन है तो आई लिख दिया हमने, फाइव वन हमने यहाँ निकाल लिया, आई से डिवाइड कर दिया, आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई को कैंसिल करने पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो म्यू नॉट पाई ए वन स्क्वायर अपॉन टू ए टू मिला, यानी म्यूचुअल इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो प्राइमरी कॉइल है उसके रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा और सेकेंडरी कॉइल के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इस पर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। सेकेंड केस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वी हैव टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स वाउंड अराउंड ओवर ईच अदर। बेसिकली क्या है, इससे हमारे पास कुछ सिलेंड्रिकल रीजन था, हमने प्राइमरी सोलेनोइड रैप किया हुआ है और उसी के ऊपर सेकेंडरी सोलेनोइड भी रैप किया हुआ है, इसको बच्चे बोलते हैं 100% कपलिंग। देखिए यहाँ क्या होता है, जो मैंने ब्लैक मार्कर से सोलेनोइड बनाया हुआ है वो प्राइमरी सोलेनोइड है, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हमने एन वन कंसिडर किए, और जो मैंने ब्लू मार्कर से बीच बीच में मैंने रैप किया हुआ है वो मेरा सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी सोलेनोइड को मैं बोल सकता हूँ, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स एन टू है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ ईच अदर। मैं पहले ही बात कर चुका हूँ म्यूचुअल इंडक्शन जब 100% कपलिंग होती है तो बराबर होता है, यानी एम वन टू की वैल्यू एम टू वन के बराबर होती है। तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द प्राइमरी कॉइल, यानी एम टू वन, इसको कैसे निकालेंगे, एम टू बी वन ए टू। बेसिकली हमें करना क्या था, एम टू फाइव टू करना था, एम टू फाइव टू। अब एम टू अगर फाइव टू करूंगा तो फाइव टू जब मैं लिखूंगा तो सेकेंडरी कॉइल का एरिया कंसिडर करना है, लेकिन हमारी करंट तो प्राइमरी कॉइल से जा रही थी ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो तो प्राइमरी कॉइल का आएगा, तो जो फाइव टू एस की वैल्यू मैंने क्या लिखी, बी वन ए टू, और एन टू बी वन ए टू अपॉन आई वन, जिसकी वैल्यू मैंने एम लिख दी, एम टू वन को एम लिख दिया, एम वन टू इसी के बराबर आएगा। तो अब यहाँ क्या करने वाले, हम बी वन पुट करते हैं, हमें पता है प्राइमरी कॉइल यानी प्राइमरी सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों होगा म्यू नॉट एन वन आई वन अपॉन एन, ये फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, तो हमने बी वन की वैल्यू पुट कर दी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ आई वन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें जो रिजल्ट मिला वो मिला म्यू नॉट एन वन इंटू ए अपॉन एल। आप देखेंगे कि दोनों जो सोलेनोइड्स हमारे वो दोनों एक ही सिलेंडर के ऊपर रैप किए हुए, दोनों का एरिया सेम होगा, इसलिए हमने ए वन इक्वल टू ए टू इक्वल टू ए लिख दिया, ये आपको फॉर्मूला मिल गया, इसको बोलते हैं 100% कपलिंग। यहाँ देखिए इन टर्म ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस की टर्म में म्यूचुअल इंडक्शन की जो वैल्यू होती है बच्चों होती है एम इक्वल टू के टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ रूट एल वन एल टू। दो सोलेनोइड्स, मान लो ये सोलेनोइड वन और सोलेनोइड टू है, इनका सेल्फ इंडक्शन जो है वो एल वन एल टू है, तो म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू क्या आएगी, उस फॉर्मूले से वो याद रखना है आप,
इस फॉर्मूले से हमें वैल्यू निकालनी के अंडर रूट ऑफ एल वन एल टू। यहाँ जो के है इसको अपन बोलते हैं कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर का मतलब ये हुआ कि जो मेरे सोलेनोइड्स हैं उनके अंदर कपलिंग कितनी स्ट्रांग है, यानी इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये वाला केस है, इस केस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड था पहले वाले सोलेनोइड का वो 100% दूसरे सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था, यानी पूरा का पूरा फील्ड सेकेंडरी सोलेनोइड से जा रहा है। इस केस के अंदर जो कपलिंग में लूंगा वो कपलिंग 100% है, यानी के की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो के की वैल्यू 1 जीरो से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी, राइट। तो जीरो भी हो सकती अगर मैं से बात करूं, जैसे मान लो मेरे पास ये दो सोलेनोइड है, ठीक है, अगर मैं इस सोलेनोइड को इसके ऊपर इस तरह से दोनों को राइट एंगल पे रख दूं तो जो इसका फील्ड है, इस वाले सोलेनोइड का जो फील्ड है वो इससे बिल्कुल पास नहीं होगा, यानी इसके केस के अंदर अगर मैं इसके फ्लक्स में चेंज करूँ तो वो इसके फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा और कोई इंड्यूस ईएमएफ और म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा। इसको बोलते हैं जीरो कपलिंग। यहाँ कपलिंग फैक्टर की वैल्यू जीरो होगी, पर यहाँ कपलिंग फैक्टर कुछ ना कुछ होगा, और अगर एक दूसरे को ऊपर वेट कर दूं तो फिर कपलिंग फैक्टर को 100% माना जाता है, वहां कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू 1 मानी जाती है। तो याद रहे एक सोलेनोइड ऐसे उसी के ऊपर दूसरा सोलेनोइड, तो कपलिंग फैक्टर 1 है, और अगर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखें तो कपलिंग फैक्टर 0 है। उसके अलावा केसेस में आपको कपलिंग फैक्टर की वैल्यू दी जाएगी, तो आप निकाल लेना। यह न्यूमेरिकल है, अ सोलेनोइड हैविंग 2000 टर्न्स वाउंड ओवर द लेंथ ऑफ द 0.3 मीटर। एक सोलेनोइड है जिसके अंदर 2000 नंबर ऑफ टर्न्स है जो किसी 0.3 मीटर लेंथ के सिलेंडर के ऊपर हमने इसे रेट किया हुआ है। द एरिया क्रॉस सेक्शन इज 1.2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर अराउंड द सेंटर सेक्शन ऑफ द कॉइल, यानी जो जिस सिलेंड्रिकल सेक्शन पे हमने सोलेनोइड बनाया हुआ था उसके सेंटर सेक्शन पे हमने 300 टर्न का एक कॉइल और बना दिया, एक सोलेनोइड और बना दिया। तो वी हैव अराउंड द सेंटर सेक्शन ऑफ द कॉइल 300 टर्न आर क्लोजली वाउंड इफ इनिशियल करंट 2 एम्पियर इज रिवर्स इन 0.25 सेकंड फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। यानी प्राइमरी कॉइल के अंदर जो पास होने वाली करंट थी वो 2 एम्पियर थी, अगर वो विद इन द 0.25 सेकंड यानी 1/4 सेकंड के अंदर वो जो करंट है वो अपना डायरेक्शन रिवर्स कर ले तो हमें बताना है कि इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हमें इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होती है एम डी आई बाई डी टी, पर पहले हमें एम निकालना पड़ेगा। तो एम के लिए हम क्या करने वाले, म्यू नॉट एन वन एन टू ए अपॉन एल। हमें म्यू नॉट की वैल्यू पता होती है 4π × 10⁻⁷, एन वन एन टू की वैल्यू आपको गिवन थी 2300 जो हमने यहाँ पुट कर दी, और एरिया की वैल्यू हमें गिवन थी हमने वो पुट कर दी, लेंथ की वैल्यू हमें गिवन थी वो पुट कर दी। सॉल्व किया बच्चों में मिला 3 × 10⁻³ हेनरी, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्शन। नाउ इंड्यूस ईएमएफ कैन बी रिटन एज माइनस एम डी आई बाई डी टी, तो माइनस एम, माइनस साइन आप जानते हो लेंथ लॉ की वजह से आता है, तो 3 × 10⁻³ हमने एम कैलकुलेट कर लिया। अब आई देखिए डी आई इज द चेंज इन करंट, तो इनिशियल करंट का डायरेक्शन अगर मैंने पॉजिटिव कंसिडर कर लिया तो फाइनल करंट नेगेटिव होगी। तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल बिकम्स −2 − 1। आई होप समझ में आ गया होगा कि फाइनल माइनस इनिशियल निकालूंगा तो −2 − 1 किया, दिस विल गिव −4, −−12 हो जाएगा, ये 0.25 था। इसको सोल्व करने पे जो मुझे रिजल्ट मिला वो मिला 48 × 10⁻³ वोल्ट, दैट इज 48 मिली वोल्ट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ऑन अ सिलिंड्रिकल रॉड टू कॉइल्स आर वाउंड वन अबाउट द अदर, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ईच द कॉइल इज 0.1 हेनरी। दो कॉइल्स हैं एक दूसरे के ऊपर रेप की हुई है, दोनों कॉइल से जो सोलेनोइड बनते हैं या जो जो कॉइल्स बनती है उनका जो सेल्फ इंडक्शन है वो 0.1 है, एक दूसरे के ऊपर वाउंड की हुई है, तो हमें बताना है कि उनका म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू क्या होगी। जैसा कि आप फॉर्मूला पहले देख चुके हैं म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू के टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एल वन एल टू होती है। अब एक कॉइल को दूसरे कॉइल के ऊपर अगर रेप किया होगा तो इसके अंदर के की वैल्यू 1 होती है, मैं आपको समझा चुका हूँ। तो हम के की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू के इंटू अंडर रूट ऑफ एल वन एल टू होगी, के की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो अंडर रूट ऑफ एल वन एल टू मिल जाएगा। एल वन इक्वल टू एल टू गिवन था, दोनों का जो सेल्फ इंडक्शन था उसकी वैल्यू सेम थी, तो एल वन एल टू को मैं एल स्क्वायर लिख सकता हूँ, रूट एल स्क्वायर बिकम एल, यानी म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू मुझे 0.1 हेनरी मिल जाएगी। इस तरह से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। इन क्वेश्चंस को आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। क्रैश कोर्स में जितना कंटेंट हम कवर करें इट्स मोर देन इनफ, इसको आप ठीक से प्रैक्टिस करें डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलेगा। हाँ तो बच्चों अब हम बात करते हैं पीरियोडिक ईएमआई की या पीरियोडिक ईएमएफ की। तो ये क्या होता है, जब भी कोई कॉइल हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करते हैं, तो जब कॉइल को रोटेट करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मेरे पास कोई कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, ठीक है, अब इस कॉइल को अगर मैं ऐसे रोटेट करूंगा तो डेफिनेटली इसका जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर, अगर अभी देखेंगे आप मैग्नेटिक फील्ड अंदर था एरिया वेक्टर भी अंदर था, तो अभी मैक्सिमम फ्लक्स बात हो रहा होगा इससे, ठीक है। अगर इसको रोटेट करूंगा तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल वेरी करेगा, और एंगल वेरी करेगा तो डेफिनेटली इनके बीच उससे पास होने वाला फ्लक्स वेरी करेगा, और अगर फ्लक्स वेरी करेगा तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ होगा, और उस इंड्यूस होने वाले ईएमएफ को ही अपन पीरियोडिक ईएमएफ बोलते हैं, क्योंकि वो ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहा होता है। इनिशियली एक सर्कुलर कोइल है, कोइल को मैंने
इस तरह से रखा हुआ है कि उसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन था, प्लेन हमने ऐसे रखा, राइट। अब अगर इसको रोटेट करता हूं इस तरह से मैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो किसी भी टाइम टी पर अगर मान लो इसके एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, व्हेन एंगल बिटवीन द एरिया ऑफ द कॉइल एरिया वेक्टर, और इसको बोल सकता हूं मैं एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा, इन दैट सिचुएशन द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल विल बी इक्वल टू ए एन बी ए कॉस थीटा, ए एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, सो दिस फ्लक्स बिकम्स ए एन बी ए कॉस थीटा at any time theta can be written as omega t, right? We know that angular velocity equals d theta by dt. Agar maan lo angle theta leta hu, time t leta hu, theta ki value hum omega t likh sakte hain, theta ki value humne omega t likhi, to jo flux hame mila wo n b a cos omega t mila. Ab aap ek baat bataiye, induced emf ko hum kaise likhte hain, minus d phi by dt. Ab aap dekhiye phi ki value likhunga n b a cos omega t, n b a constant hone ki wajah se humne bahar le liya, to minus n b a d by dt of cos omega t ka differentiation aap jante ho minus omega साइन ओमेगा टी होता है, बेसिकली कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, साइन ओमेगा टी इनटू ओमेगा, क्योंकि कोस ओमेगा टी का तो साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और ओमेगा टी का फिर से मैं चेन रूल यूज करूंगा तो ओमेगा मिलेगा, ये जो डिफरेंशिएशन मिलेगा कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा कोस ओमेगा टी, सॉरी माइनस ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी इनटू ओमेगा, तो माइनस साइन ओमेगा टी इनटू ओमेगा लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये मुझे मिलेगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब आप देखिए साइन ओमेगा टी की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वन है, इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ई भी मैक्सिमम होगा, और ई की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एन बी ए ओमेगा, इसको मैंने लिखा ई नॉट, ई नॉट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड दैट इज इक्वल टू ई नॉट, तो यहां मैंने ई नॉट लिख दिया और इक्वेशन को लिखा ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आप देखें तो बेटा फ्लक्स वेरिएशन और ईएमएफ वेरिएशन के बीच का एंगल का फेज डिफरेंस पाई बाई टू है, यानी फ्लक्स वेरिएशन फ्लक्स जो है वो पाई बाई टू लीड करता है विद रिस्पेक्ट टू ईएमएफ, हम जानते हैं साइन और कोस के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है या पाई बाई टू होता है, तो मेरी जो इक्वेशन मेरी इंड्यूस ईएमएफ की वो है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई नॉट की वैल्यू एन बी ए ओमेगा है जो मैक्सिमम पॉसिबल ईएमएफ है। अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा वेरिएशन का तो आप जानते हैं साइनसोइडल ग्राफ कैसा आता है, साइनसोइडल ग्राफ मैंने यहां बना दिया, आप देखिए ये कंप्लीट टाइम पीरियड यानी एक कंप्लीट रोटेशन के अंदर जो फ्लक्स में चेंज आएगा वो मैंने ये लिखा, t इक्वल टू जीरो प्लस जीरो था इनिशियली, सॉरी t इक्वल टू जीरो पर इंड्यूस ईएमएफ जीरो था, अब t इक्वल टू जीरो पर जब इंड्यूस ईएमएफ जीरो तो t बाई फोर पर इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम हो गया, t बाई टू पर वापस जीरो होता है, 3 बाई फोर पर नेगेटिव मैक्सिमम हो गया और t पे वापस जीरो हो गया, तो आप देखेंगे कि इंड्यूस ईएमएफ का जो वेरिएशन है वो e इक्वल टू साइन ई नॉट साइन ओमेगा टी मिला, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करता है, इसलिए इसको अपन पीरियडिक ईएमएफ बोलते हैं, आफ्टर एवरी टाइम इंटरवल इट इज चेंजेस विद द फिक्स मैनर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट periodic EMF. Now, what will be the graph between the flux passing through the coil and time? It will be the like this, because we know what is the graph between the flux and the time. So, it will be the graph of the cos function. So, cos function ka jo graph aayega, wo sine function ke comparison mein aisa hota hai. Aap jante ho, jab t equal to zero pe main dekhunga, to flux maximum mila. और यहां से अगर मैं t equal to zero पे देखूंगा तो EMF मुझे zero मिलेगा. तो जब EMF zero था तो flux maximum है. और आप देख पा रहे हैं कि जब ये हमारा EMF maximum होता है तो हमारा फ्लक्स जीरो हो जाता है, और जब फ्लक्स जीरो होता है तो ईएमएफ अपोजिट मैक्सिमम हो जाता है, इस तरह से इनके बीच हमेशा एंगल पाई बाई टू बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह काफी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, इनकी हम बात करते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट, अ सोलेनोइड ऑफ द रेजिस्टेंस 50 ओम एंड इंडक्टेंस 80 हेनरी कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ ईएमएफ 200 वोल्ट, हाउ लॉन्ग इट टेक टू रीच द करंट अप टू द वैल्यू 50% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनोइड। सो जो क्वेश्चन में हमें दिया गया वो ये है कि हमारे पास एक सोलेनोइड है और एक रेजिस्टेंस जो सीरीज में कनेक्टेड हुए हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 50 ओम है और इंडक्टेंस जो है इसका सोलेनोइड का ये बेसिकली हमें 80 हेनरी गिवन है, और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो सीरीज में इन दोनों कनेक्ट करने के बाद हमने 200 वोल्ट के सोर्स से जोड़ा हुआ है। जैसे बच्चों मैं स्विच ऑन करता हूँ करंट जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करती है, और जब करंट ग्रो करना स्टार्ट करती है तो करंट कैसे ग्रो करेगी, हमें पता है ग्रोथ की इक्वेशन होती है I इक्वल टू आई नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टू, तो इज द टाइम कॉन्स्टेंट दैट इज ऑलवेज रिटर्न एज एल बाई आर। नाउ जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है वो कि जो मैक्सिमम वैल्यू है करंट की उसका हाफ होने में, यानी अगर मैक्सिमम वैल्यू आई नोट थी तो आई नोट बाई टू, यानी 50% ग्रो करने में कितना टाइम लगेगा, इस टाइम को आप अच्छे से जानते हो, कई बार आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर देखा होगा, इस टाइम को हम हाफ लाइफ टाइम भी बोलते हैं। तो आई की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, आई नोट बाई टू, तो जब मैंने यहाँ पुट किया आई नोट बाई टू तो आप क्या पुट कर रहे हैं, आई नोट से आई नोट कैंसिल कर देंगे और मुझे मिला 1/2 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टू, इस वाले फंक्शन में ई टू दी पावर माइनस टी बाई टू को मैं
आरएचएस में लेकर आया था उसको उधर लेके जाऊंगा तो मुझे मिलेगा e टू दी पावर माइनस पी बाई टू इक्वल टू हाफ, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप इसको इधर लेके आ जाओगे उसको उधर लेके जाओगे तो ये जो पावर है हमारी वो प्लस हो जाएगी, तो मुझे e टू दी पावर पी बाई टू इक्वल टू टू मिला। अब अगर मैं इसका एंटी लॉग लूंगा तो एंटी लॉग लेने पर हम जानते हैं कि जो एक्सपोनेंट पे जो भी फंक्शन होता है पी बाई टू वो सामने आ जाता है और ये लॉग के साथ जाएगा नेचुरल लॉग के साथ, तो यहाँ मुझे मिलेगा पी बाई टू और यहाँ मिलेगा एल एन टू। तो पी की जो मुझे वैल्यू मिली वो मिली लॉन ऑफ टू मल्टीप्लाई बाई टू, तो लॉन ऑफ टू मल्टीप्लाई बाई टू। अब इसको अपन क्या बोलते हैं हाफ लाइफ, क्योंकि हमारा जो करंट है वो मैक्सिमम का हाफ हो चुका है इसलिए इसको करंट की हाफ लाइफ बोलते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्मूला मिला इसको मैं हाफ लाइफ के फॉर्मूले के लिए आप मेमोराइज करके भी रख सकते हैं, एंड टी हाफ इक्वल टू लॉन ऑफ टू टो, टो की वैल्यू थी एल बाय आर जो हमने यहाँ पुट कर दी, फिर इस तरह से हमने टी सोल्व कर लिया, टी की वैल्यू मिलेगी लॉन ऑफ टू की वैल्यू आप सब जानते हैं 0.693 होती है और एल बाय आर पुट करूंगा तो 80/50 हो जाएगा, इसकी वैल्यू मिलेगी मुझे 1.1 सेकंड, यानी स्विच ऑन करने के 1.1 सेकंड के बाद करंट जो है वो मैक्सिमम की हाफ होगी यानी आई नॉट बाई टू होगी या 50% ग्रो कर चुकी होगी, मैं कैसे भी बात कर सकता हूँ। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इनटू द सोलेनोइड। मैक्सिमम एनर्जी तब स्टोर होगी जब करंट कांस्टेंट हो चुकी होगी, और करंट जब कांस्टेंट हो चुकी होगी तो सोलेनोइड जो है यानी हमारा इंडक्टर जो है वो कोई अपोजिशन प्रोड्यूस नहीं करता। इन दैट सिचुएशन रेजिस्टेंस ऑफ दिस बिकम जीरो और इसका रेजिस्टेंस आर हो जाएगा, तो हमारा जो पूरा का पूरा सर्किट है उसका रेजिस्टेंस इफेक्टिव 50 माना जाएगा। तो यहाँ से जो मैक्सिमम करंट पास होगी वो 200/50 यानी 4 एम्पियर होगी। अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा हाफ एल आई स्क्वायर, एल की वैल्यू 80 थी, आई की वैल्यू 200/50 यानी 4 हो जाएगी, इसका स्क्वायर करूंगा तो 16 देगा, 16/2 इज 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 80 विल गिव 640 जूल, इट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। हाँ तो बच्चों अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स में ये क्या होता है कि हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कोई भी करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, हम ये भी बात कर चुके हैं कि कोई भी चार्ज अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, जैसे कि अपन ने बात की थी कोई भी हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो उसके न्यूक्लियस वाले पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर के थ्रू दी जाती है। अगर मान लो कोई भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो हमने ये भी बात की थी कोई भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, राइट। तो अब यहाँ कुछ चीजें समझने वाली है बच्चों, वो ये क्या कि जो इतने भी मटेरियल्स होते हैं उन सब मटेरियल्स के अंदर अपन जाते हैं एटॉमिक लेवल पे अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि अलग अलग टेम्परेचर्स पर जो ओन मैग्नेटिक मोमेंट होता है एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट उसका डायरेक्शन अलग अलग होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर वो रैंडमली अलाइन होता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो निकल के आता है, लेकिन अगर हम ऐसे मटेरियल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो एक्सटर्नल फील्ड में हम जानते हैं कि कोई भी डायपोल अगर रखा जाए तो वो डायपोल के ऊपर उस डायपोल के ऊपर एक्सटर्नल फील्ड एक टॉर्क लगाता है जो डायपोल के मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर को अपने फील्ड वेक्टर के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। अब यहाँ आप समझिए कि अगर मैं किसी मैग्नेटिक मटेरियल किसी मटेरियल को अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड में रख दूं तो उसका जितने भी इंडिविजुअल एटम्स के डायपोल्स हैं इंडिविजुअल एटम्स जो हैं उनका अपना जो डायपोल मोमेंट है वो अपने आप को अलाइन करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और उसकी वजह से एक नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल इंड्यूस होगा। तो यहाँ हम बात करें सबसे पहले जो हमारा जो आर्टिकल है वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन? फर्स्ट डायग्राम अगर आप देखेंगे तो मैंने इस मटेरियल के अंदर बहुत सारे एटॉमिक डायपोल मोमेंट दिखा रखे हैं। बहुत सारे हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं जब एक एटम में एक पर्टिकुलर एटम जो है उसका जो डायपोल मोमेंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आएगा, देखिए इसका डायपोल मोमेंट इधर था, इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ है, इसका डायपोल तो रैंडमली अलाइन है अलग अलग एटम्स का डायपोल मोमेंट। तो बेसिकली अगर हम कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं अप्लाई करते हैं और इस मटेरियल को एज इट इज छोड़ दें तो इसके अंदर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है क्योंकि इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू जीरो आती है। इनिशियली अपन ने कहा एम नेट दैट मींस नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज जीरो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू जीरो। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन दिस मटेरियल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? जब इसको मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इन सभी डायपोल्स पर टॉर्क लगाएगा और टॉर्क की वजह से अपने आप को जो डायपोल्स हैं उनको अपनी खुद की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी डायपोल्स हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द डायपोल्स आर अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में अप्लाई किया तो ये डायपोल्स हैं वो अपने आपको एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करते हैं और इस कंडीशन के अंदर सभी डायपोल्स का अपना ओन मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका वेक्टर संबंधित करेंगे तो राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर आएगा। इस पूरे के पूरे मटेरियल का एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो मैग्नेटिक मोमेंट मैंने कैपिटल एम लिखा। अब यहाँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिफाइंड एज
नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो मेरे पास कोई ए एरिया क्रॉस सेक्शन और एल लेंथ का मटेरियल है, तो अगर मान लो एल उसका लेंथ है, ए एरिया क्रॉस सेक्शन है, तो हम जानते हैं बच्चों उसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ के बराबर होता है। जो कैपिटल एम, इसकी वैल्यू एम इंटू एल हो जाएगी। स्मॉल एम को हम बोल क्या बोल रहे हैं, स्मॉल एम इज मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, और वॉल्यूम होगा ए इंटू एल, एल से एल कैंसिल होके स्मॉल एम बाई ए आ जाएगा। तो मैं मैग्नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को ऑल्सो डिफाइन कर सकता हूँ। व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया या मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अपन यहाँ इसको डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इसको बोल सकते हैं, या मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया इसको बोल सकते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और ये होगा मीटर क्यूब, तो ये बन जाएगा एम्पियर अपॉन मीटर, यानी एम्पियर पर मीटर इज यूनिट। तो दिमाग में रखें पर यूनिट वॉल्यूम जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसको अपन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं आगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जस्ट कीप इन माइंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये समझना है ध्यान से। इसमें क्या होता है, देखिए दो चीजें होती है, होता है एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड जो हम अप्लाई करते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, तो हमने एक्सटर्नल फील्ड राइट डायरेक्शन में बाहर से अप्लाई किया होगा, तो इसके अंदर जो एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, वो कितना प्रोड्यूस होता है एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में, हम उसकी बात करेंगे। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड अगर मैं बात करूं, तो जब मैंने किसी मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, तो आप देखेंगे डायपोल अपने आप को इधर अलाइन कर लेंगे, और इसकी वजह से यहाँ बी एम जो मैं पैरामीटर लिख रहा हूँ, दिस बी एम इज वॉट, दिस बी एम इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली ये एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था राइटवर्ड डायरेक्शन में, और सभी डायपोल्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जरूर अभी आ चुका है राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो अगर आप अंदर के मटेरियल के अंदर देखेंगे, तो जो नेट फील्ड होगा दैट विल इक्वल टू बी इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम, बी एम को मैं बी आई भी लिख सकता हूँ, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल होगा वो बी इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम होगा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ देखिए आप बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एच, एच क्या है बच्चे समझना, एच इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एच इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी इस मटेरियल के अंदर कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है उसको डिनोट करने वाला पैरामीटर है। याद रहे जो एक्सटर्नल फील्ड है वो कॉज होगा, और जो एच है वो उसका इफेक्ट है, यानी बी की वजह से एच आता है। बी एक्सटर्नल फील्ड है जिसको अपन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, और यहां मैंने बोला एच इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, के अंदर कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है उसको डिनोट करने वाला पैरामीटर है। इसकी वैल्यू होगी बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, और यहीं से मैं देख सकता हूं एच की वैल्यू आ जाएगी बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। मान लो मैंने जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है, ये यूनिफॉर्म फील्ड, सपोज हमने पिछले आर्टिकल में बात कर चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट के अंदर, कि सोलेनोइड वगैरह जो होते हैं वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, मान लो किसी सोलेनोइड से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड था, तो मैं बी नॉट की जगह क्या लिख दूंगा, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन आई, राइट। अब देखिए ये जो बी एम हमने लिखा है, जिसको मैं आपसे बोल रहा हूँ ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, यानी इस मटेरियल के मैग्नेटाइज होने की वजह से जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आया उसकी वैल्यू ये है। इसकी वैल्यू हम देखेंगे बी इंड्यूस इक्वल टू म्यू नॉट आई, व्हाट इज दिस, बी इंड्यूस इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई इज व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इन रिलेशन आप एज इट इज मेमोराइज करें, ठीक से प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको ये याद रहेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये फॉर्मुले आपको सारे याद रखने हैं। नाउ बी ऑफ एम इज इक्वल टू आल्सो डिनोटेड बाय बी इंड्यूस। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। देखो ससेप्टेबिलिटी वर्ड से आप काफी फेमिलियर होंगे, हम यहाँ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कैसे समझेंगे, कि किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखने पर वो कितना आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा, जितना कंफर्टेबली मैग्नेटाइज हो जाएगा उतनी ही उसकी ससेप्टेबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगी, राइट। तो या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो हमारे इंडिविजुअल डाइपोल्स हैं, बिकॉज ऑफ एटॉमिक लेवल पर अगर मैं बात करूं, तो जो एटॉमिक डाइपोल्स हैं वो अगर ज्यादा रिजिडली फिक्स्ड है तो उसका मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कम होगी। वो आसान है, वो आसानी से अगर वो मूव करके अपने आप को फील्ड के अंदर अलाइन कर लेते हैं तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, राइट। तो दिस इज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, काई से इसको डिनोट करते हैं बच्चों, इसको कुछ लोग काई बोलते हैं, कुछ लोग साई बोलते हैं, प्रोनाउंस करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, हम काई इसको बोल रहे हैं। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी काई इज व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोल सकता हूं। तो आई अपॉन एच याद रखने,
इसकी और इसकी यूनिट सेम होने की वजह से साइज जो हमारा है वो यूनिट एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, हम बाद में बात करेंगे। अभी भी एक बात हम बात कर ही लेते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, अभी मैं आपको बात नहीं कर चुका हूँ क्योंकि आपने 12th में पढ़ ही लिया होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, तो जो साइज है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है फॉर द फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड इट्स वैल्यू इज नेगेटिव फॉर द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, इसको दिमाग में रखें। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू, ठीक है, क्या है कि हम बात करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, हम बात करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट म्यू आर, हमने कहा था जो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन की हम बात करते थे, वो थी वहां अगर आपको याद हो तो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यहाँ परमिएबिलिटी टर्म डिफाइंड है। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू इज वॉट बेसिकली, ये यहाँ आप देखिए बी जो हमने डिनोट किया था, हमने कहा था बी, मैं भी आपको बता चुका हूँ, ये कॉज होता है कि इफेक्ट होता है, ये दोनों चीजें ध्यान रखें। और अगर आप इसको यहाँ देखेंगे तो ये बी अपॉन एच का रेशियो होता है, एच आपको बता चुका हूँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है और बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर यूनिट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज म्यू, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर यूनिट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज म्यू। एंड म्यू नॉट अगर मैं बात करूंगा, मान लो मीडियम अवेलेबल है, किसी मीडियम के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, सब यहाँ ये मीडियम रखा हुआ है, इस मीडियम के अंदर अगर हम बात करें तो मीडियम की प्रेजेंस में डेफिनेशन ये दी जाएगी, अगर मैं वैक्यूम की बात करता हूँ तो वैक्यूम में म्यू नॉट इज इक्वल होगा बी नॉट अपॉन एच, और यहीं से हमें पता है कि रिलेशन आप अच्छी तरह जानते हो कि यह रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, ये एक्सप्रेशन आप याद रखें। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन दीज पैरामीटर्स, में क्या क्या रिलेशन होता है ये आप सारे फॉर्मूले हमने मेमोराइज कर लेना, इसके बाद आप कंफर्टेबली बता सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड जो है नेट, जब मैं किसी भी मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूं तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है दैट इज इक्वल टू बी नॉट प्लस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, अब बी नॉट की वैल्यू हम पुट करेंगे यहां से म्यू नॉट एच, और बी जो इंड्यूस्ड है उसकी वैल्यू पुट करूंगा मैं यहां से म्यू नॉट आई, तो मैंने ये पुट किया म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई म्यू नॉट एच, इसको एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, जब इसको एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो मैं म्यू नॉट एच को बाहर ले लूंगा तो अंदर बचेगा वन प्लस एच आई अपॉन एच, फिर इसको आप यहां देखिए b अपॉन म्यू नॉट एच मैंने यहाँ लिख दिया, ये 1 प्लस एच आई अपॉन एच बचेगा, फिर b अपॉन बी एच, ये देखो b अपॉन बी एच की जो वैल्यू है मैं म्यू पुट कर सकता हूँ, तो b अपॉन बी एच इक्वल टू म्यू पुट किया तो म्यू इक्वल टू क्या, सॉरी म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन एच मिलेगा, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन एच आपको मिला। फिर आई अपॉन एच हमने यहाँ डिफाइन किया था काई या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसकी जगह मैं काई की वैल्यू पुट कर दूंगा तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, म्यू अपॉन म्यू नॉट को मैं म्यू आर भी लिख सकता हूँ, तो म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस काई, तो वन प्लस काई इक्वल टू म्यू आर। अब यहां से एक बात समझिए ध्यान से, एक तो मैं लिख सकता हूँ यहां से, ये देखिए हमने यहां बात की वन प्लस काई इक्वल टू म्यू आर, फिर यहीं पे इस टर्म को, ये वाली टर्म को मैंने म्यू नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और म्यू नॉट को इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू वन प्लस काई था, तो म्यू इक्वल टू मिलेगा म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट काई। ये तो रिलेशन सीधे सीधे आप डिराइव कर सकते हैं, जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी पहले उनकी वैल्यू पुट करके कंफर्टेबली आप डिराइव कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा फॉर्मूले याद कर लें, चैप्टर के अंदर आपको सारे फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप कंफर्टेबली सवाल का आंसर दे सकते हैं। एक और चीज आप देखें, जो साई है या काई जो है, इसको हमने बोला था कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसके लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती, तो अगर ये पॉजिटिव है तो जो म्यू आर है वो वन प्लस समथिंग वैल्यू मिलेगा, यानी मोर देन वन मिलेगा, और अगर मान लो काई जो है वो नेगेटिव हो, जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए काई की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो जो म्यू आर है रिलेटिव परमिएबिलिटी वो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए लेस देन वन मिलती है, इसको याद रखें, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल्स, हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को अलग अलग तरह से क्लासिफाइड करते हैं कि पहला हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक्स क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। देखो बच्चे क्या होता है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर उनका एटमिक लेवल पे अपना ऑन मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता। अब ऐसी कंडीशन के अंदर अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जीरो है, कोई ऑन मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, तो ऐसे मटेरियल्स को जब मैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उन मटेरियल्स के अंदर इंड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड था वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट आता है, वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट आता है। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात नहीं करते, कोई भी मटेरियल मैंने यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया तो जो इंड्यूस फील्ड आता है वो अपोजिट आता है। एग्जैक्टली देखो वही यहां पर भी होगा कि जो ऐसे मटेरियल जिनका अपना ऑन मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, ऐसे मटेरियल जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उनका जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड का अपोजिट आएगा,
और अगर वो एक्सटर्नल फील्ड का अपोजिट आएगा, जैसे मैंने यहाँ देखा कि ये बी नॉट एक्सटर्नल फील्ड था, ये मटेरियल हमने रख दिया, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका अपना ओन एटमिक लेवल पे कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता। जब लेकिन एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूँ तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड का अपोजिट आता है। तो अगर इनसाइड द मटेरियल बात करूं तो एक्सटर्नल फील्ड राइटवर्ड था, इनसाइड द मटेरियल जो इंड्यूस फील्ड आया वो अपोजिट डायरेक्शन में आया एक्सटर्नल फील्ड के। तो अंदर मटेरियल के अंदर जो नेट फील्ड होता है वो डेफिनेटली एक्सटर्नल फील्ड से कम होगा, इसकी वैल्यू बी नॉट माइनस बी एम या बी इंड्यूस भी बोल सकता हूँ। ऐसे मटेरियल को अपन बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। फिर हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। ये वो मटेरियल होते हैं जिनका अपना ओन इनके एटमिक लेवल अपना ओन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, लेकिन ऑन मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन वो जो मैग्नेटिक मोमेंट है इंडिविजुअल एटम्स का वो इस तरह से रेंडमली अलाइन होता है कि उन मटेरियल के पास अपनी ओन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती, लेकिन अगर उसको मैं एक्सटर्नल फील्ड में रखूं तो जो मैग्नेटिक मोमेंट था इंडिविजुअल एटम्स का उसके ऊपर उन डाइपोल्स के ऊपर टॉर्क लगता है, टॉर्क की वजह से फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो यहाँ जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आता है वो फील्ड की डायरेक्शन में आता है। इसलिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर आप देखेंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मटेरियल के अंदर जो फील्ड होता है वो बी इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम होगा। बी एम इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में बी नॉट, ये एक्सटर्नल फील्ड बी नॉट था और बी इंड्यूस जो है वो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में आया। इसलिए जो नेट फील्ड होता है इनसाइड द मटेरियल वो एक्सटर्नल फील्ड से ज्यादा होगा। ऐसे मटेरियल को अपन फेरामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। नाउ व्हाट इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं जनरली फेरस, कोबाल्ट, निकल वगैरह जो होते हैं इनको अपन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। बच्चा इनमें क्या होता है कि इनके अंदर छोटे छोटे डोमेन्स बने होते हैं, उन डोमेन्स के अंदर जो एटमिक मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अलाइन होता है। जैसे मैं यहाँ बात करूं, ये मान लो ये मैंने इस पूरे मटेरियल को चार पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ये अनमैग्नेटाइज मटेरियल है, मतलब कुछ नहीं, आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उठा लिया, फेरस, कोबाल्ट या निकल का कोई अपने टुकड़ा ले लिया, उसमें अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे कुछ डोमेन्स होते हैं। ये क्वांटम फिनोमेना की वजह से होता है, इसकी डेप्थ में हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम सीधी सीधी बात करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसका, जो एटॉमिक लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है तो कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं, उन ग्रुप्स की वजह से एक पर्टिकुलर ग्रुप के सभी का मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में आता है, उसकी वजह से एक डोमेन डिफाइन होता है, उस डोमेन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी एक डायरेक्शन में आएगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी एक डायरेक्शन में आएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि इस वाले डोमेन का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर आ रहा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ऊपर आएगा, इसका स्तर आ रहा है, इसका स्तर आ रहा है, इसका स्तर आ रहा है। लेकिन अगर आप अनमैग्नेटाइज मटेरियल को देखेंगे यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे तो आप क्या देख पाएंगे कि इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो होगा या नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जीरो होगी। अब हम क्या करते हैं कि डोमेन जो बने हैं उन डोमेन का अपना मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक मोमेंट था, लेकिन एक डोमेन के अंदर जैसे ये वाला डोमेन था, इस डोमेन में जितने भी एटम्स होंगे सभी का मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इसके अंदर सभी का इधर आएगा, इसके अंदर सभी, तो एक डोमेन के अंदर अगर आप देखेंगे जितने भी एटम एग्जिस्ट करेंगे उस डोमेन में उन सबका मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में होता है। ऐसे बहुत सारे डोमेन बनते हैं। अगर मैं इसको एक लो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूंगा, सपोज ये मान लो बी नॉट वन और ये बी नॉट टू फील्ड है, राइट, तो बी नॉट वन फील्ड इज अ वीक फील्ड, जब मैंने इसको अंदर रखा तो ये जो डोमेन है अपने आपको ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, यानी फील्ड के डायरेक्शन में, फील्ड के डायरेक्शन के अंदर इंड्यूस, या आप ऐसे बात कर सकते हैं कि ये जो डायपोल है, ये डायपोल इस फील्ड के डायरेक्शन में टॉर्क एक्सपीरियंस करके अपना उधर अलाइन करते हैं तो डोमेन जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है। और अगर मान लो मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख देता हूं तो ये जो डोमेन है इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो ऑलमोस्ट ऐसे अलाइन हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं लाइक दिस, ऐसे मैं इसको एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं किया, शायद ये इंक्लाइन होगा किसी ना किसी एंगल पर मोस्ट ऑफ द जो मैग्नेटिक मोमेंट है डोमेन के वो फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। अब यहाँ देखिए क्यूरी लो क्या होता है, क्यूरी ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ कंक्लूजन निकाला, उसने क्या निकाला कि अगर मैं किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जो उसका मैग्नेटिक मोमेंट्स है अलग अलग एटम्स के वो रेंडमली अलाइन हो जाते हैं, और रेंडमली अलाइन होने की वजह से ये जो टर्म हमने कही थी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होती है, यानी किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करके कांस्टेंट यूज कर लिया जिसको अपन क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये स्काई इक्वल टू क्यूरी कांस्टेंट अपॉन टी, इसको याद रखें आप। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है बच्चे, इसको भी ध्यान रखना है, जब हम किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हमें पता है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होगी, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पर बिहेव करना शुरू कर देता है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर।
अब यहाँ क्यूरी वाइज तो इसको बोलते हैं, मैं फिलहाल क्यूरी लिखा हुआ है, द काइट वाज टू सी डैश अपॉन टी माइनस टी सी, टी सी इज वॉट क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयरन, क्यूरी टेम्परेचर इज बेसिकली 1043 केल्विन, ये जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो जनरली 10^3 के ऑर्डर में होता है, इसका ध्यान रखना। तो ये एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कुछ मटेरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी, और मैग्नेटिक मटेरियल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, डायमेंटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, इसकी अपने बात कर ली। अब हम बात करते हैं हिस्टेरेसिस कर्व की, कि जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मटेरियल को रखा जाता है और हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना शुरू करते हैं तो किस तरह से मैग्नेटाइजेशन होता है, किस तरह से डीमैग्नेटाइजेशन होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड को मैं रिवर्स कर दूंगा तो क्या होगा, हम वन बाय वन चीजों को समझेंगे। पर याद रखें इस बोर्ड से लिखी हुई जितनी भी चीजें हैं ये आपको लर्न करना है प्रॉपरली, ये सारी चीजें लर्न करोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी दिमाग में रहेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे।